बाद, मतलब लाइक 200 बाद आपको उनको डिपॉजिट देना ही पड़ेगा कभी भी, मतलब लाइक अगर ट्रैवल करना चाहते हो तो बोल्ट और ग्रैप यहाँ पे दो ओला कर रहे हैं जिसको कहा जाता है गोल्डन बुद्धा, यहाँ पे मतलब बहुत फेमस है वो, उनके टिकट के बारे में मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। तो सुन लो भाई, थाईलैंड की महिलाएं भी जो जो सो हेलो गाइस, आदाब, सत श्री अकाल, केम छो, जय महाराष्ट्र। मैं आपका होस्ट और दोस्त पीयूष सहगल फिर से लेके आया हूं न्यू वीडियो। तो आज की वीडियो बेसिकली, मैं कल पटाया से निकल गया था, तो आज की मेरी वीडियो जो होने वाली है वो होने वाली है बैंकॉक के ऊपर। आपने सही सुना है, यहाँ से मेरी कंबोडिया की फ़्लाइट है, तो शाम की मेरी कंबोडिया की फ़्लाइट है, तो मैंने सोचा कि बैंकॉक भी एक दिन एक्सप्लोर किया जाए। तो बेसिकली अभी हम लोग जा रहे हैं अपने टेम्पल में, वैद्य तमृत की तरफ में, और अभी ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया है, अभी जस्ट हम लोग निकलेंगे ब्रेकफास्ट के लिए। हाँ, और मैं यहाँ के हॉस्टल्स के बारे में बता दूँ, हॉस्टल्स में क्या है ना, बैंकॉक में, शायद पटाया में भी है कहीं पर, मेरे को तो लगा नहीं, पर बैंकॉक में ये रूल है कि आपको 200 बाद, मतलब लाइक 200 बाद आपको इनको डिपॉजिट देना ही पड़ेगा। अब वो पता नहीं क्यों देना पड़ता है भैया, कुछ रीज़न है उसका, 200 बाद क्यों देने पड़ते करके? फैशन है, की डिपॉजिट कहते हैं उसको। अच्छा, की डिपॉजिट, ओके ओके ओके, मुझे पता नहीं था ये। तो भैया को, भैया मुझे बोल रहे हैं कि उसको की डिपॉजिट बोलते हैं, ऐसे आप उनकी की भी अगर कुछ घुमा देते हो या कुछ करके, वैसे तो मुझे की दी नहीं थी उसने, बट स्टिल फिर भी की डिपॉजिट के नाम पे 200 रुपये ले लिए थे, चलो एटलीस्ट उतने तो पैसे बचे। और अभी हम लोग जा रहे हैं यहाँ से वैद्य तमृत की तरफ, पहले कुछ ब्रेकफास्ट वगैरह कर लेंगे, दिक्कत नहीं है भाई, अपन तो बैंकॉक में ही है ना अभी, दिक्कत क्या है यहाँ पे किसी चीज़ की? ये है क्या नाना प्लाजा? अच्छा, राइट वाला है, क्लब लाइन है यहाँ पे पूरी, यूट्यूबर से भी मिलाना है। तो बेसिकली मैं आपको पहले ही एक चीज़ क्लियर कर दूं कि आप अगर कभी भी, मतलब लाइक अगर ट्रैवल करना चाहते हो तो बोल्ट और ग्रैप यहाँ पे दो ओला उबेर जैसी चलती है, जैसे अपने तो रैपिडो है, ओला है, उबेर है, वैसे आप यहाँ पे लोकल टैक्सी हायर करने के बदले मैं तो आपको यही रिकमेंडेड करूँगा कि आप ग्रैप से ही या बोल्ट से, मैंने तो बोल्ट से भी बुक किया है, मुझे लगे अप्रॉक्सीमेटली कुछ 35 या 40 कुछ लगे ना, 40 बाद लगे, तो इंडियन करेंसी के हिसाब से, तो या लोकल के हिसाब से बहुत सस्ता है यार वो, तो मैं आपको रिकमेंडेड करूँगा कि वही चीज़ आप करो, पॉकेट में एक्स्ट्रा पैसे देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब मेरा ग्रैप ड्राइवर आया है, चलो दिखाता हूँ आपको। ओके, वेरी वेल है, पूरा प्रॉपर रात के पियो खाओ लड़कियाँ, वो दिन बढ़ाई। अच्छा, ये रात के हिसाब से, अच्छा है, पॉकेट में पैसे एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। तो ये ग्रैप ड्राइवर भाई आ चुका है। हाँ, यस यस यस, ये ग्रैप ड्राइवर आ चुका है। तो भाई मेरा ग्रैप ड्राइवर आ चुका है और मैं अभी निकल रहा हूँ इन लोग के साथ में, बहुत मतलब लाइक मैं तो आपको स्पेशली रिकमेंड करूँगा, हम लोगों ने 40 मार्च में हमने अपनी गाड़ियाँ बुक की है और हम लोग यहाँ सीधा जा रहे हैं वैद्य तमृत की तरफ। तो चलो आपको दिखा दें बैंकॉक। तो गाइस, हम लोग वैद्य तमृत पहुंच चुके हैं फाइनली और अभी एंट्रेंस कर रहे हैं, जिसको कहा जाता है गोल्डन बुद्धा, यहाँ पे मतलब बहुत फेमस है वो, उनके टिकट के बारे में मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूंगा, टिकट्स के क्या रेट से यहाँ पे। यार प्लेस तो बड़ी सक्सी है, सच बता रहा हूँ, प्लेस तो मतलब है यार, यहाँ से टिकट लेनी पड़ती है, ऐसा नहीं है फ्री है, मैंने एक्चुअली फ्री देख के आया था, पर कोई नहीं, 50 है, 50 बात ज़्यादा नहीं है, 40 बात है, 40 बात तो ज़्यादा होता नहीं है। तो चलो, मेरे पास स्पेस भी कम है, तो मैं छोटी वीडियो बनाने का ट्राई करूँगा। ओके, तो यहाँ पे हर जगह पे ऐसे आपको छोटे छोटे स्टॉल दिख जाएंगे, ये टिकट काउंटर है, अरे कितना सुंदर है यार, ये कितना सुंदर है, कितनी वो पार्किंग है, वहाँ पे पार्किंग है पूरी प्रॉपर, ये टिकट काउंटर है, टिकट काउंटर के बारे में जरा दिखाया जाए। तो बेसिकली यहाँ से टिकट लिया जाता है गोल्डन बुद्धा के लिए, ये टिकट के रेट है गोल्डन बुद्धा का है 40 बात, ये लो कितने हुए, 40 दे दिए, चल रखना है बाद में, ये गोल्डन बुद्धा का है, और एग्जीबिशन लेना है तो 140 है। ठीक है, आपको अगर स्कार्फ वगैरह भी लेना है तो उसके लिए भी आपको 100 बार डिपॉजिट करने पड़ेंगे, वो आपके रिटर्न मिल जाएंगे। और अलाउड नहीं है, निकर अलाउड नहीं है, स्कर्ट्स अलाउड नहीं है, क्या क्या नहीं है बताओ जल्दी जल्दी, स्कर्ट्स में आना अलाउड नहीं है, शॉर्ट्स में आना अलाउड नहीं है, प्रॉपर कपड़े ऊपर से नीचे तक पहने हुए होने चाहिए। अच्छा,
तो सुन लो भाई, थाईलैंड की महिलाएं भी जो जो ब्लॉग देखती होगी, भाषा तो समझती नहीं होगी पर फिर भी ब्लॉग देखती होगी ना, बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा है। तो पहले ही क्लियर कर दूं कि शॉर्ट बिकनी वगैरह ये सब चीजें यहाँ पे आप लोगों को पहनना अलाउड है, क्योंकि ये टेम्पल है। यहाँ पे ऐसी टिकटें चेक होती है। ये चीज़ें होना इम्पॉर्टेंट है। इट्स रॉन्ग टू यूज़ बुद्धा टैटू एज डेकोरेशन। नो, ये सब चीज़ें अलाउड नहीं है। इन शॉर्ट ये सब चीज़ें अलाउड नहीं है। तो आप नेक्स्ट टाइम आओगे तो ये सब चीज़ें पहन के मत आना, स्पेशली इंडियंस को बता रहा हूँ मैं, ठीक है। भैया के साथ जा रहा हूँ अभी मैं ऊपर। बहुत लोकेशन यहाँ पर देख सकते हो कितना क्राउड आता है। ये ऊपर का व्यू है पूरा प्रॉपरली। यहाँ से रोड है, रोड के ऊपर ही है ये। चलो गोल्डन बुद्धा की तरफ चले। तो यहाँ से लोकेशन देख सकते हो पूरी प्रॉपर। कार पार्किंग भी दिख रही है। यहाँ पे ऐसे छोटे छोटे मार्केट्स भी हैं। हाँ, तो यहाँ पे आपको जूते उतारने पड़ेंगे। प्लीज टेक ऑफ योर शूज। हाँ ये कर लो पहले। ये बुद्धा जी है। तो बस अभी निकल रहे, बारिश का मौसम बन चुका है। चलो चलो भैया जल्दी 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 जल्दी। व्यू देखो यार कितना सही आ रहा है व्यू पूरा। यूट्यूबर होने का ये फायदा बड़ा है। तो गाइज बाहर से वीडियो बनाने मिली मुझे, क्योंकि अंदर में अलाउड नहीं है कैमरा वगैरह। तो कोई नहीं यार, मैं आपको बाहर से फिर भी थोड़ा बहुत तो दिखाई पाया जितना मैं दिखा सकता था। और बेसिकली ये बहुत मतलब ये ओरिजिनल, मैंने खुद अंदर जाके चेक किया है, पूरा ओरिजिनल गोल्ड का ही है। और इतना मतलब इतने सुंदर है ना बुद्धा बैठे है, मतलब मैं बता नहीं सकता हूँ। इसके बारे में हिस्ट्री विस्ट्री आपको जाननी है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में पूरा इसी हिस्ट्री डाल चुके हैं। और ये पूरी जानकारी विकिपीडिया से ली हुई है, ठीक है। ये मैं अपने आपस में नहीं बता रहा हूँ, जो गूगल पे है उसकी जानकारी बता रहा हूँ मैं। छोटी बच्ची हो क्या? भैया ने मेरी बहुत मदद की है मेरी वीडियोस फोटोज निकालने में। इनका भी इंस्टाग्राम नीचे हैंडल डाल दूंगा। अब पता नहीं हम लोग भीग के जाएंगे कि कैसे जाएंगे, तो पहुंचना तो पड़ेगा। बारिश शुरू हो गई है। चलो मिलता हूँ बाद में। बाय। बेसिकली मैं ठीक है कि फूड कोर्ट पे हूँ, और फूड कोर्ट के बारे में आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। यहाँ के फूड बड़े टेस्टी है। मैंने तो एक्चुअली इंडियन खाना ही खाया, मतलब नेपाली फूड का वो, पर यहाँ के मैं आपको
थोड़ा बहुत दिखा दे दो। देखो ये भी अच्छा था, हैं? ये भी अच्छा था। तो एम बी की फूड कोर्ट के आने के बाद में आपको यहाँ से कार्ड लेना पड़ता है, ठीक है? तो ऐसा कार्ड आपको एक लेना पड़ेगा यहाँ पे, जो अप्रोक्सीमेटली 200 बात का पड़ता है। इसके अंदर से भाई ऊपर था हैंड वॉश, मैं बहुत धूप है भाई, शॉप नहीं दिखाया आपने, ठीक है? नीचे जाते जाते खाली मेरे को दिखा दो। सो गाइस, मैं अभी एमबीके मॉल की तरफ पहुंच चुका हूं और यहां से मैं आपको व्यू दिखा दूं। यार इतना शानदार व्यू है, मैं इधर इनके चौराहे पे खड़ा हूं बैंकॉक के, आप देख सकते हो यहां की गाड़ियां वगैरह। तो मैं यहां से अपने हॉस्टल निकलने वाला हूं क्योंकि बहुत टाइम हो चुका है, और मैं बेसिकली यहां के रूट सबको दिखा दूं कितने मस्त। एमबीके मॉल है, टैक्सी देखो इन लोगों के बैठे, तो हमारे इंडिया में तो ओला उबर भी नहीं आएगा। तो भाई बस मेरी गाड़ी आ चुकी है बोल्ट पे, जैसे मैंने आपको बताया था बुक किया, ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है। तो अभी हम लोग निकल रहे हैं अपने हॉस्टल के तरफ, और हॉस्टल में जाने के बाद मेरे दोस्त से मिलता हूँ, मेरा बैग नीचे ही है, और हॉस्टल से लेकर मैं निकल रहा हूँ कंबोडिया के लिए। ये है बीकेबी मॉल, बहुत बड़ा है ये मॉल। एयरपोर्ट देख सकते हो बैंकॉक का कितना सेक्सी है। तो मेरा गेट आने वाला है D3, ये है मेरे थाई एयरवेज का गेट, और मेरा गेट होने वाला है D3, D1, D2, D3। ये है भाई वो ड्यूटी फ्री एरिया जहाँ पे इतना सब सब चीज़ें होती हैं। परफ्यूम, कॉस्मेटिक्स, सब सब सब, ये देखो भाई लीटर की दुकान है।